नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। हैदराबाद का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? असदुद्दीन ओवैसी का नाम, हैदराबादी दम बिरयानी, चार मीनार। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे महल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हैदराबाद से बाहर रहने वाले लोग बहुत कम जानते हैं। इस महल को चौमल्ला पैलेस के नाम से जानते हैं। चौमल्ला पैलेस की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि एक वक्त में इस पैलेस को हैदराबाद का दिल कहा जाता था। चौमहल्ला दो शब्दों चौ और महल्ला से मिलकर बना है। चौ का मतलब चार और महल्ला का मतलब महल से है। इस पैलेस का नाम इसके अंदर बने चार महलों को दर्शाता है। इस महल का निर्माण तो साल 1750 में हैदराबाद के निजाम रहते हुए सलाबत जंग ने किया था, लेकिन उन्हें पद से हटाए जाने के बाद इसका निर्माण कार्य रुक गया था। इस खूबसूरत महल का फिर से निर्माण साल 1857 में हैदराबाद के पांचवें निजाम अफजल उद दौला ने शुरू करवाया था, जिसे उनके निधन के बाद हैदराबाद के छठे निजाम असफ जहां ने अपने शासन काल में पूरा करवाया। ये चौमहल्ला साल 1895 में बनकर तैयार हुआ। अपनी नकाशी अद्भुत शैली के लिए ये महल दुनिया भर में जाना जाता है। इस पैलेस में दो विशाल आंगन के साथ एक दरबार हॉल, फाउंटेन और बाग बगीचे भी हैं। मूल रूप से ये महल 45 एकड़ में फैला था, उत्तर में लाड बाजार से लेकर दक्षिण में अस्पन चौक रोड तक, लेकिन अब ये पैलेस सिर्फ 12 एकड़ में ही सिमट कर रह गया है। दो भागों में बटा है पैलेस। इस पैलेस को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को उत्तरी आंगन और दूसरे भाग को दक्षिणी आंगन कहा जाता है। उत्तरी आंगन चौमल्ला के इस हिस्से में 12 इमाम नामक कमरों का एक लंबा कॉरिडोर है, जिसका मुख पूरब में बने सेंट्रल फाउंटेन और पूल की तरफ है। इसी तरफ दरबार हॉल, जिसे खिलाफत मुबारक कहते हैं, और यहीं पर शीशे अलत बना हुआ है। यह शीशे का बना एक गेस्ट हाउस है। खिलाफत मुबारक, जिस तरह चौमल्ला कभी हैदराबाद का दिल हुआ करता था, उसी तरह खिलाफत मुबारक को चौमल्ला पैलेस का दिल कहा जाता है। यहां आपको एक और बात बताते चलें कि खिलाफत का मतलब विरोध करना नहीं होता, बल्कि उत्तराधिकारी होता है। हैदराबाद के लोगों के दिल में इस जगह की खासी अहमियत है, क्योंकि यहीं पर आसफ जाही साम्राज्य की गद्दी हुआ करती थी। इस दरबार में मार्बल जड़े विशाल पिलर बने हुए हैं। यहां से गुजरने वाला शख्स इसकी सुंदरता में खो जाता है। यहीं पर शाही गद्दी तख्ते निशान का भी निर्माण किया गया है। हैदराबाद के निजाम यहीं पर अपने दरबार, समारोह और दूसरी धार्मिक गतिविधियों का आयोजन करते थे। इस शाही हॉल में 19 शानदार झूमर लगे थे, जिन्हें हटा दिया गया था, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही इन झूमरों को फिर से शाही हॉल में फिर से स्थापित किया गया। कहा तो यहां तक जाता है कि चौमल्ला की देखभाल के लिए 7000 लोग लगे रहते थे। दक्षिणी आंगन चौमल्ला पैलेस के दक्षिणी भाग या फिर दक्षिणी आंगन में ही वो चारों महल बने हुए हैं, जिनकी वजह से इस पैलेस का नाम चौमल्ला रखा गया। इसी भाग में मेहताब महल, तहनियत महल, अफजल महल और आफताब महल नामक चार पैलेस हैं। इन सब में दो मंजिला आफताब महल सबसे बड़ा है। चौमल्ला पैलेस में घंटाघर, काउंसिल हॉल और रोशन बंगला भी मौजूद है। बताया जाता है कि रोशन बंगले का नाम हैदराबाद के छठे निजाम की मां रोशन बेगम के नाम पर रखा गया था। क्लॉक टावर चौमल्ला पैलेस के मेन गेट पर बना यह घंटाघर करीब 250 साल से ज्यादा पुराना है। इस पर बनी घड़ी को खिलाफत घड़ी या खिलफत क्लॉक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहां पर निजाम का खजाना छुपा हो सकता है। इस घड़ी की मेंटेनेंस हर हफ्ते की जाती है। काउंसिल हॉल पैलेस में मौजूद काउंसिल हॉल में कई तरह के हस्तलिपि और बेशकीमती किताबों का दुर्लभ संग्रह है। हैदराबाद के निजाम अपने विशेष अधिकारियों और खास मेहमानों से यहीं पर मुलाकात करते थे। फिलहाल ये हॉल टेम्पररी प्रदर्शनी का स्थान है। चौमल्ला पैलेस में क्या देखें? चौमल्ला पैलेस में अलग अलग गैलरी मौजूद हैं, जिसमें निजाम काल के क्रॉकरी, कपड़े, फर्नीचर, सिक्के और करेंसी नोट आपको देखने को मिलते हैं। इन गैलरीज में निजाम काल के वेपन भी दर्शकों की प्रदर्शनी के लिए मौजूद है। इस शाही महल में एक कुरान सेक्शन मौजूद है। इस सेक्शन में कई तरह के पवित्र किताब कुरान को रखा गया है। इनमें
हाथ से लिखी गई कुरान को जापानी तकनीक अपनाकर फिर रीस्टोर किया गया है। नक्श लिपि में लिखी हुई कुरान, मेटल पर लिखी गई छोटी कुरान, इनमें से कुछ कुरान को सोने और दूसरी चीजों पर लिखा गया है। इस महल के एक सेक्शन में विंटेज कारों की प्रदर्शनी लगी रहती है। इस पैलेस में मुगलों द्वारा भेंट की गई पोल पर लगी मछली भी आपका ध्यान आकर्षित करेगी। चौमल्ला पैलेस एंट्री फीस और टाइमिंग। चौमल्ला पैलेस में घूमने का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है। शुक्रवार और राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर ये हर दिन खुला रहता है। 12 साल से ऊपर के भारतीय नागरिकों के लिए इस पैलेस में एंट्री की फीस 50 रुपए है, जबकि 12 से कम उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए एंट्री फीस 10 रुपए है, जबकि विदेशी नागरिकों के लिए एंट्री फीस 200 रुपए है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ पर स्टिल कैमरे का इस्तेमाल करने के लिए 50 रुपए और वीडियोग्राफी करने के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ट्राईपॉड अलाउड नहीं है। हैदराबाद में मौजूद चौमल्ला पैलेस के कुछ हिस्से को हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। अगर आप यहां जाते हैं तो इस पैलेस के होटल में रुककर इसे करीब से जान सकते हैं।